I can confirm to you, just a short while ago, the chairperson of the UN Sanctions Committee, the permanent representative of Indonesia, has informed us that Masood Azhar stands designated as an individual who has been promoting terrorism globally. This is, for us, a significant outcome because we have been at it for several years. The first effort that we made in this regard was in 2009. More recently, we have been persistent, diligent, and in a subterranean manner, making all our efforts towards this goal. Today, that goal stands achieved. I'm grateful to the many, many countries who were supportive of this effort. United Nations Security Council ne Masood Azhar ko ek ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है. वो हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं कहूंगा इस गवर्नमेंट की कामयाबी है कि इतने मुश्किलातों के बाद आज उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है. ये एक चुनौती अब पाकिस्तान के लिए है क्योंकि अब पाकिस्तान सारी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया है कि वो ऐसे टेररिस्ट को बना देता है, ऐसे टेररिस्ट को अपने पास रखा हुआ है और ऐसे टेररिस्ट को ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में ट्रेन करता है. और अब पाकिस्तान को अब ये देखना है कि अगर वो ये ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बंद करता, वो इन जो टेररिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं बंद करता, उनको पनाह देना नहीं बंद करता, तो जल्द ही पाकिस्तान भी एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से. और तब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का अपना वजूद खुद खतरे में होगा. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है मोदी सरकार के लिए भी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत जो फॉरेन आउटरीच रही है उसका भी एक सुखद परिणाम है. आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक और स्थिर नीति रही है आतंकवाद के प्रति, आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के समर्थकों के खिलाफ, सीमा के भीतर भी, सीमा के बाहर भी. कर दिया तो अच्छा है. ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, समय बताएगा. अब देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. चुनाव के समय ये हो रहा है. अब ये क्या चुनावी बात है, क्या है, मैं नहीं जानता. घोषणा से क्या होता है, जब एक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो दोस्ती जता रहे हैं मोदी जी के साथ, तो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए. ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है. मैं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ. दुनिया आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ने इकट्ठा हुई है. आतंकवादी किसी देश से नहीं जुड़े होते, और आतंकवादी केवल एक देश के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है. अभी श्रीलंका ने जो भोगा है वो सारी दुनिया ने देखा है. देर आए दुरुस्त आए, चीन भी इस पर सहमत हो गया, और अब आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व लड़ाई लड़ेगा. ये भारत आज नहीं, कई दिनों से कहता रहा है. आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बड़ी सफलता मिली है, उनका अभिनंदन.